हेलो स्टूडेंट, दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर 5 क्लास 3। प्रीवियस वीडियो हमने पार्ट जाने थे, प्लांट के क्या होते हैं रूट जान लिया था और सेकंड हमने स्टेम जाना था। थर्ड पार्ट क्या होता है, लीफ होता है, पत्ती होती है। इट ग्रोज ऑन द ब्रांचेस ऑफ प्लांट, ये कहाँ उगती है, जो प्लांट होता है उसकी ब्रांचेस जो डालियाँ होती हैं उन पर उगती है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और वो अलग अलग आकार की और आकृति की होती हैं। पार्ट्स ऑफ ए लीफ, पत्तियों के पार्ट क्या होते हैं। द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लैड, यानी ये आपको जो चौड़ा एक फ्लैट पार्ट देख रहा है पत्ती का उसे क्या कहते हैं, लीफ ब्लैड कहते हैं। इट्स टिप इज कॉल्ड लीफ अपेक्स, और इसका सबसे ऊंचा भाग जो पत्ती का होता है सबसे ऊपर वाला उसे क्या बोलते हैं, लीफ अपेक्स बोलते हैं। देयर आर थिक ट्यूब लाइक लाइंस प्रेजेंट ऑन द लीफ ब्लैड नोन एज द मिड वेन एंड साइड वेन, और इनमें क्या फैला रहता है, एक जाल फैला रहता है ट्यूब जैसा। तो बीच वाली जो लाइन होती है आपको दिख रही है इसे बोलते हैं मिड वेन, और साइड में बहुत सारी जो फैली रहती है पतली पतली उन्हें क्या बोलते हैं, साइड वेन। दे हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड वाटर, और ये किसमें हेल्प करती हैं, जो खाना बना है और जो पानी है उसको प्लांट के दूसरे पार्टों में पहुँचाने का। देयर आर मैनी टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, पत्ती के निचले भाग पर। दे लेट एयर एंड वाटर वेपर पास थ्रू, और वो क्या करते हैं, हवा और पानी जो भाप है उसको क्या करते हैं, पास होने देते हैं, यानी अंदर और बाहर होने देते हैं। फंक्शंस ऑफ लीफ, पत्ती के काम। लीव्स आर नोन एज द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, पत्तियों को किस नाम से जानते हैं, किचन या फिर फूड फैक्ट्री प्लांट की, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। लीव्स यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रिपेयर शुगर, लीव्स क्या करती हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में शुगर बनाने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रोसेस होती है खाना बनाने की उसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स नोन एज स्टोमेटा, प्लांट जो क्या करते हैं, सांस लेते हैं छोटे छोटे छेदों से जो पत्तियों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। सम लीव्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एंड आर ईटन बाई अस, एग्जाम्पल स्पेंच, लेट्यूस, मिंट, कोरिएंडर एक्सेट्रा, कुछ पत्तियां जो होती हैं वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखती हैं जो हमारे द्वारा खाई जाती हैं, उदाहरण के लिए क्या होती है, पालक होती है, लेट्यूस होती है, पुदीना, धनिया एक्सेट्रा। फिर हमारा फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, फ्लावर। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये सबसे ज़्यादा सुंदर हिस्सा होता है प्लांट का। फ्लावर्स कम इन डिफरेंट कलर साइज एंड शेप्स, जो फूल होते हैं वो अलग अलग रंगों के, अलग अलग आकार के और अलग अलग आकृति के होते हैं। अ फ्लावर स्लोली चेंज इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स इनसाइड देम, जो फूल होता है वो धीरे धीरे फल में बदल जाता है जिसके अंदर बीज होते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, फूल क्या होता है, किसी भी प्लांट का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मतलब कि क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो किसमें हेल्प करते हैं, नए प्लांट बनने में हेल्प करते हैं, सेम उसी प्रकार के नए प्लांट बनने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। या एनिमल्स में होते हैं तो उसी प्रकार के नए एनिमल्स बनते हैं, तो सेम काइंड ऑफ जो चीज़ बन रही है, फूल बन रहे हैं या फल जो क्या प्लांट बन रहे हैं या फिर एनिमल्स है जो एनिमल बन रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। जैसे डॉग के बच्चों से क्या होते हैं, डॉगी होंगे, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई। तो अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में, तो फूल ये क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, किसमें, फूल में प्रेजेंट होते हैं। आगे का जो भी है नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि चैप्टर आगे के पार्ट क्या है, हमने अभी तक 4 पार्ट पढ़े हैं, 5th पार्ट हम आगे पढ़ेंगे।